बेगूसराय में संपत्ति के लोभ में एक जीजा ने अपने ही साले को जान मारने की नीयत से गंडक नदी में फेंक दिया। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से एवं पीड़ित युवक के द्वारा थोड़ी बहुत तैराकी की जानकारी होने की वजह से उसकी जान बच गई। घटना नीमाशांतपुर थाना क्षेत्र के परना घाट की है। फिलहाल पुलिस पीड़ित युवक को सकुशल बरामदगी के बाद उसे पूछताछ कर रही है एवं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। दरअसल दिल्ली के रहने वाले संतोष कुमार पिछले एक सप्ताह से नाकोठी निवासी अपने जीजा कुणाल कुमार के यहाँ रह रहे थे। संतोष कुमार का आरोप है कि पिछली रात उनके जीजा भोज खाने की बात कहकर उन्हें अपने साथ लाए एवं जब नाकोठी थाना क्षेत्र के छतौना गंडक पुल पर पहुंचे तो उन्होंने अपने साले से कहा कि देखिए पानी बढ़ने के बाद नजारा कितना सुहाना लगता है। अपने जीजा की बात सुनकर संतोष कुमार ने जैसे ही पुल से नीचे देखना आरम्भ किया वैसे ही कुणाल कुमार ने अपने साले संतोष कुमार का पैर नीचे से उठा दिया और उसे पानी में धक्का दे दिया। रात का समय होने की वजह से किसी को भनक भी नहीं लगी लेकिन संतोष कुमार के द्वारा थोड़ी बहुत तैराकी जानने की वजह से उन्होंने अपना हाथ पैर चलाना आरंभ किया और नीमाशांतपुर थाना क्षेत्र के परना घाट के समीप जाकर उनकी आवाज सुनकर लोगों ने संतोष कुमार को पानी से बाहर निकाला और प्राथमिक चिकित्सा के बाद अपने पास ही रखा और थाने को सूचना दी। लेकिन लोगों का आरोप है कि सूचना मिलने के तकरीबन 15 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब पुलिस आने के बाद कुछ युवक मोबाइल से वीडियो बना रहे थे तो पुलिस के द्वारा उल्टे ग्रामीणों के साथ ही मारपीट की जाने लगी। लेकिन जब लोग आक्रोशित हुए तो पुलिस पीड़ित संतोष कुमार को लेकर थाने चली आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन समेत आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। मेरे न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। यहाँ कौन लाया था? यहाँ वो हमारे जीजा जी लाए। क्या क्या नाम है जीजा जी? कुणाल क्या हुआ बोलिए। मेरे वहाँ से सर प्रशासन यदि हमारे घर पे कोई जख्म हुआ बात का तो यहाँ पे आया तो वो काहे ले गया उठा के काहे। हम गांव के लोग समाज रोकने वाला होते तो मारने के लिए पुलिस वाला काहे उठता है। अच्छा वो भी पुलिस का ड्यूटी मिला है, ड्यूटी निभाएगा। मकीन है होता है कि इंसान को मारेगा पब्लिक को। क्या बोले? पब्लिक को मोबाइल छीन लिया, वीडियो बनाया तो इसके कारण है कि पब्लिक का मोबाइल छीनने कारण मांगा तो थप्पड़ चला रहा है। कौन चलाया थप्पड़? छोटा बाबू है। किस थाने के? चंदपुरा थाना है। कहता है कि तुमको मोबाइल चाहिए, चलिए थाना पर बड़ा बाबू देगा मोबाइल। 24 घंटा बाद प्रशासन पहुंचा है। 24 घंटा गांव हम लोग रखे घर में अपना। 12 घंटा बाद आया तो दो एक पाँच मिनट नहीं दिया समय। प्रशासन ये भी नहीं पूछा आप लोग किस तरह रखे यहाँ पर, ये आदमी कैसे आया जानकारी दिए थे नीमाचंदपुरा थाना। नीमाचंदपुरा थाना में चौकीदार दिया है हमको। हमारे जीजा जी दिल्ली से लाए थे, दिल्ली से ला के यहाँ पे 7-8 दिन रहे तो फिर बहाने से बुलाए यहाँ पे। बोलते हैं भोज खाने चलते रात में, रात को 9 बजे का टाइम था। हम तो बोल रहे कि यहाँ पे थोड़ा सा उतर के आराम कर लेते हैं। हम देखने लग गए, बोले कि नीचे देखिए कितना अच्छा नजारा है। तो यूं फिर पैर पकड़ा उल्टा दिया। क्या कारण आपको क्या लगता है, क्या कारण था? पैर सीधा कुछ कह नहीं रहा था, मतलब क्या कारण था, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हमें लगता है पता नहीं, ये तो हमें भी पता नहीं चल रहा क्या दुश्मनी है, भी नहीं पता। अच्छा कोई हिस्सा वगैरह भी था पहले? पहले हमको ये नहीं पता है। क्या नाम था जीजा जी? हमारे जीजा जी। कौन थे वो जीजा जी? जीजा जी कुणाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? है? कहाँ के रहने वाले? नाकोटी के रहने। एक मिनट।